फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल हैव अ टेस्ट बाइट यू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी व्हाइट सॉस पास्ता की। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए आज हम ले रहे हैं व्हीट पेनी पास्ता। तो चलिए अब इसको बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में पानी डालेंगे और पानी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल। अब हमें इसे बॉईल होने देना। अब पास्ता बॉईल हो गया है, अब इसमें मैं पास्ता डाल दे रही हूँ और हमें पास्ता को मीडियम फ्लेम में पकाना है 10 से 12 मिनट तक। मैंने इसमें पहले से ही ऑयल डाल के रख दिया था ताकि हमारा पास्ता एक दूसरे में चिपक ना जाए। तो अब हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, ये परफेक्टली कुक है। अब हम इसे छान लेते हैं। मैंने छान के इसको ठंडा पानी में रख दिया है ताकि हमारा पास्ता का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और ये ओवर कुक ना हो जाए। तो चलिए अब हम अपने वेजी को शॉर्टे कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल और 1.5 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ गार्लिक लिया है मैंने। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे, हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। अब इसमें मैं डालूंगी रफली चॉप्ड प्याज और दोनों को 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप गाजर और 1/4 कप शिमला मिर्चा, ये सब रफली चॉप्ड है। अब इसे सॉटे कर लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, मेरे पास तो सिर्फ यही वेजिटेबल्स अवेलेबल थे तो मैं यही डाली। अबे हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। तो अब हमारा वेजीज पक चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए हमारा वेजीज पक चुका है तो हम इसे बंद कर देते हैं गैस। चलिए अब व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैं 50 ग्राम बटर डाल रही हूँ और अब हम इसे बटर को मेल्ट होने देंगे। तो हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून मैदा और इसे हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से बटर में फ्राई करना है। तो चलिए अब ये फ्राई हो चुका है हल्का ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डाल के इसे इस तरह चलाना है और ध्यान रखना है कि लम्स ना हो। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीज़लिंग, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे चीज़, मैं प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज चीज़ से व्हाइट सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हमें व्हाइट सॉस को पकाना है, इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है। आप देख सकते हो ये थिक हो रहा है आस्ते आस्ते। तो चलिए इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। तो हमारा व्हाइट सॉस पक चुका है, अब हम इसमें अपना सॉटे वेजिस को डाल देते हैं जिसको मैंने पहले से ही सॉटे करके रख दिया था। अब इसमें मैं डालूंगी अपना बॉइल्ड पास्ता और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीज़लिंग। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है, हमें इसे 5 मिनट तक पका लेना है। तो हमारा पास्ता पक चुका है, ये रेडी हो चुका है सर्व होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं पिज़्ज़ा सीज़लिंग से और चिली फ्लेक्स से, ऊपर से हम डाल देंगे। तो अब हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू
press the bell icon for more new and further updates. Thank you. Bye.